महाभारत को लेकर बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी एक महाभारत सी छिड़ गई है। इन दिनों हर कोई महाभारत पर फिल्म बनाने में काफी दिलचस्पी ले रहा है, चाहे आमिर खान हो या शाहरुख खान या फिर बाहुबली के निर्माता राजामौली, सभी ने इस फिल्म को बनाने के लिए अपनी अपनी इच्छा जाहिर की है। लेकिन ये इच्छा सबकी इच्छा ही रह गई है, क्योंकि मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दिया है कि वो भीम के एंगल से फिल्म महाभारत बनाएंगे। ये फिल्म तकरीबन 1000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के बजट में बनेगी। ये फिल्म एशिया की दूसरी सबसे महंगी फिल्म होगी। फिल्म दो पार्ट्स में बनेगी। फिल्म की शूटिंग 2018 के सितंबर में शुरू होगी और 2020 तक ये फिल्म रिलीज होगी। फिल्म का दूसरा पार्ट पहले पार्ट के रिलीज होने के 90 दिन के बाद ही रिलीज कर दिया जाएगा। फिल्म महाभारत को हिंदी, इंग्लिश, मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ भाषाओं में शूट किया जाएगा और साथ ही कई अलग अलग भाषाओं में भी डब की जाएगी। इस फिल्म के बजट और ओपनिंग को देखते हुए लगता है कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अब तक के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ सकती है। न्यूज़ एक्सप्रेस की रिपोर्ट।